गुरुजी का थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा इज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो सर, पहली चीज, हम एक्सयूवी 300 चला के कहां से आए हैं? मैं एक्चुअली सागर के पास एक टाउन है देवरी, वहां से चला के आया हूं। अप्रोक्सीमेट 750 किलोमीटर ड्राइव करके आया। 750 किलोमीटर, क्या ये किस रीजन से आपको इतनी दूर मैं खींच के लाया हूँ? कोई प्यार, कोई डिस्काउंट, क्या रीजन था कि 750 किलोमीटर आपको मैं इधर ले आया हूँ? एक्चुअली सर, मैं सर से लगभग 3-3.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, मैंने ऑलरेडी इनसे पहले भी स्पीकर्स परचेज कर रखे थे और मैंने अपने आके इंस्टॉलर से कई बार इंस्टॉल करने की कोशिश की, बट उनसे इंस्टॉल करते नहीं बनी और मैं काफी डिसअपॉइंट हो रहा था कि मैं क्या करूं। फिर सद ने मेरे को सजेशन दिया कि आप आइए मेरे पास, मैं आपको बहुत अच्छा सेटअप करके दूंगा। तो आपने 3 साल पहले मेरे से एक पेयर कॉम्पोनेंट मंगवाया था, दैट वॉज स्टेग MLG सीरीज, दैट्स अ सेकंड सीरीज इन स्टेग रेंज, जो कि आपने पूरे कॉन्फिडेंस 3 या 2.5 साल पहले मेरे से मंगवाया था। देन यू हैव ऑर्डर 21, सो इट्स बीन लाइक 3 इयर्स आपका हमारे पे ट्रस्ट है। उसके बाद आपने बहुत चीज़ें मंगवाई हमारे से, लियो स्टेग लियो मंगवाया, 2-3 गाड़ियों का और सामान मंगवाया हमारे लिए, लाइट का हमारे अभी सेल लगाई थी बर्थडे वीक पे सेल, आपने सेल का हमेशा फ़ायदा उठाया इन 3 सालों में, बहुत कुछ मंगवाया। बट इस बारी आपने सोच लिया था नई गाड़ी ली है, आपने ली थी XUV 300 जो कि अप्रॉक्स 2-3 महीने हुए हैं, एंड यू हैव गिवन अ हेड्स अप कि गाड़ी करानी है तो सोहेल से करवानी है। सो क्या आज वो इतना 3 महीने की वेट, 3 साल की जो वेटिंग थी, इतने टाइम से हमने ब्रांड न्यू स्पीकर रखे हुए थे, आज जाके वो लगे हैं, आज जाके आपको सामान इकट्ठा आप 3 साल से कर रहे हैं, आज जाके आपने वो इकट्ठा सामान अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराया और देखा है कैसा रिस्पॉन्स हो। तो आज मेरे कस्टमर्स को आपका रिस्पॉन्स जानना बहुत जरूरी है कि क्या ऑडियो सोल्यूशन, क्या चीज़ है, कैसा उनका रिस्पॉन्स है, क्या क्या। मेरे को 2 मिनट के आपके लिए चाहिए होंगे, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। हाउ वॉज योर ओवरऑल इंट्रैक्शन विद ऑडियो सोल्यूशन टीम? जब मैं दिल्ली आया तो भैया ने मेरे को सारे कंपोनेंट्स बताए कि क्या क्या लगना है। मेरे पास एम्प नहीं था तो भैया ने मेरे को एक अच्छा एम्प सजेस्ट किया, साथ में एक सबवूफर भी लिया भैया से मैंने और एक मोनो एम्प लिया। उसके बाद भैया ने लगभग जो सेटअप किया है उनने मेरे टेस्ट के हिसाब से सेटअप किया है। मैंने जैसा भैया को बोला था कि मेरे को बिल्कुल क्लीन ऑडियो चाहिए है और बिल्कुल मतलब ऑडियो ऐसा चाहिए कि जिसमें बहुत ज्यादा बेस भी ना हो, बहुत ज्यादा ट्रिबल भी ना हो, बिल्कुल प्लेन ऑडियो चाहिए, लेकिन ऑडियो में पूरी तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या थी? आपने कहा था 3 स्पेसिफिकेशन जो चीज थी वो बताएंगे कि क्या क्या चाहिए थी। मेरे को सबसे पहले क्लियरिटी चाहिए थी। जी सर। और दूसरी बात, मेरे को बहुत ज्यादा ओवर नहीं चाहिए था कि मतलब बहुत ज्यादा बेस हो जाए। राइट। और तीसरी चीज मैं ये चाहता था कि जो मेरे वोकल्स हों और जितनी फ्रिक्वेंसीज हों वो सारी बहुत क्लियर आए मेरे कान के अंदर, मतलब जो हाईज आए, मिड्स हैं वो स्पीकर से आए और जो लोज हैं वो सारी बूफर से निकले। ये आपकी डिमांड थी, आती आपने सबसे पहले डिमांड आपने ये रखी थी। सो यू नो अबाउट ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, हाउ टू बायफिकेट कि मिड्स कहाँ से आनी चाहिए, आपको सब कुछ A to Z आई थिंक नॉलेज थी। तभी आते आपने इतना रिसर्च, इतनी नॉलेज गेन करी थी और आते आपने ये चीज कही थी कि मेरे को 3 बायफिकेशन अलग अलग चाहिए, मिड्स और हाईज मेरे कॉम्पोनेंट से आने चाहिए और लोज मेरे सबवूफर से आनी चाहिए। जी। क्या वो चीज हमने फाइन ट्यूनिंग, आपको इतनी देर गाड़ी में बिठाया, 2 घंटे हमने ट्यूनिंग में लगाए, एक एक चीज आज जस्टिफाइड है? हाँ, मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज से और मेरे को जैसा भैया ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जैसी आप ट्यूनिंग बोलो वैसी ही निकाल के दूंगा, और मेरे को एग्जैक्टली वैसी ही साउंड मिल रही है, तो मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिसको भी ये काम कराना हो डेफिनेटली भैया से। आपने और लोग भी, और भी गाड़ियां थी आज, हमने 2-3 गाड़ियां रेडी कर रहे थे आपके सामने, सब आपकी गाड़ी में आके सुन रहे थे, तो कुछ एक एक्सेप्शनल सेटअप लग रहा था। करेक्ट। जहां पे वायरिंग, हाउ वाज आवर वायरिंग? वायरिंग बहुत ही ज्यादा क्लीन थी, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज्यादा क्लीन वर्क करके देंगे भैया, मतलब और भी जगह मैंने सेटअप्स देखे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मैसी होते थे। राइट। भैया ने इतना क्लीन सेटअप किया कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कुछ काम हुआ भी है गाड़ी में, OEM जैसे OEM फिटिंग थी वैसे ही लग रहा है, जैसे OEM गाड़ी लेके जा रहे थे वैसी चीजें लग रही है। एग्जैक्टली, मेरे को वैसी ही लग रही है। सो आज 3 साल से हम जुड़े हैं, आज वो 3 साल की वर्थ इट चीज हुई है या नहीं हुई?
बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। आपने भैया भैया भी इनके साथ में आए थे, एक चीज आपने बोली थी गाड़ी में ऑडियो सुनते ही कि 750 किलोमीटर आना और जाना वसूल हो गया। बिल्कुल भाई, पैसा वसूल है, है ना वसूल। आप ही गाड़ी चला के आए हैं सर? जी सर बिल्कुल। तो 750 किलोमीटर अब थकावट, ऐसे ऑडियो सुन के सारी थकावट दूर हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी थकावट दूर है, फुल पैसा वसूल। भैया के साथ एक और फ्रेंड आए, तो ओवरऑल कैसा लगा भैया? एकदम मतलब मैंने जैसे साउंड क्लिक किया मुझे लगा कि हाँ एकदम मतलब कुछ अलग है, किया है अलग है बिल्कुल। डेफिनेटली। सो अब चलते हैं कुछ इंस्टॉलेशन की तरफ, दिखाते हैं कैसे इंस्टॉलेशन कैरिड आउट हुआ, क्या क्या हमने लगाया है, एंड लास्ट में एक ओवरऑल फीडबैक लेंगे विद द प्राइस की हमने क्या क्या लिया है। साथ में लास्टली एक और चीज़ भी एडअप हुई है, मैं आपको करूँगा, हमने अजूम लाइट्स भी लगाई हैं, जो कि हम इन्होंने एक सेल टाइम था, बर्थडे सेल थी तब उन्होंने लिया था, तो ये था। अब मैं और भी इसके क्लिप्स ऐड करूँगा जहाँ पे आपको असली रिस्पॉन्स पता चलेगा इस लाइट्स का। So, चलते हैं अब इंस्टॉलेशन। फिटमेंट ऑफ द क्रॉसओवर एंड मिड ड्राइवर्स, यू कैन सी द नीटनेस कि हमने कैसे आपका क्रॉसओवर लगाया है। यू कैन सी एवरी वायर हैज बीन टाइड अप प्रॉपरली। अगर क्रॉसओवर की बात करें, प्रॉपर प्लेसमेंट हुई है कि ताकि मूवमेंट भी ना हो सके, इसमें प्रॉपर अटैच है कि कहीं भी इश्यूज ना फ्यूचर में क्रिएट हो। यू कैन सी द डैम्पिंग, इट्स मॉरेल 2.1 mm डैम्पिंग, वन ऑफ द रिनाउंड एंड वन ऑफ द अमेजिंग डैम्पिंग वेयर यू कैन रिलाई टू। इट कम्स विद lifetime warranty, so you don't have to worry about the melting and a smelling issue. So it's a very good damping. You can see the color, the appearance is very phenomenal. Talking about the mid drivers, we have installed the Stig MLG series, the second series in the Stig range. I haven't shown you the videos in past, but definitely aaj do gaadiyon mein dikhaunga jahan pe humne MLG install kara hai, and MLG ki hi performance aapko main aaj dikhaunga. So you can see 6.5 inches driver has been installed to the stock location, and talking about the damping, and you can see the crossover. Now let's come to the amplifier application. You can see how we have installed the 4-channel amplifier. You can see the fitment, you can see the neatness, how we have installed everything. So all the speaker wire has been tied up and grounded very well. Talking about the power cables, you can see plus minus, and the ignition wire has been tied in one segment. RCA cable apni jagah pe hai, everything is tied up. Let's quickly move to the mono amp. You can see a Servin Vega mono amp, a product by JL Audio India. We have installed in the driver side and the co-passenger side, we have installed the 4-channel, that is by JL Audio. In rear, talking about the rear component, we have installed the Steglio components. Again, in day in and day out, we are installing the same component. Iske baare mein batane ki koi zarurat nahi hai. So every video, like in every reviews you'll get about Steglio, it's a phenomenal component. So ye overall setup XUV 300 में हो रहा है, जहाँ पे हमने सारा ये कैरिड आउट करा है। लास्टली एक बार बूफर दिखा दूंगा। सो वी हैव इंस्टॉल्ड द JL Audio 10 inches subwoofer. You can see the size of the subwoofer, the size of the diameter of the woofer. Along with that, talking about the enclosure, you can see the size of the enclosure. It's a enclosure pre-tuned by JL Audio India. So आप देख सकते हैं इसके बाद भी काफी स्पेस बूट में रह गई है। सो अब हम सीट्स इंस्टॉल कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, एंड फाइनली एक बार जब सारा कुछ सेटअप हो जाएगा, आई विल शो यू द फाइनल। चलें, सो वी हैव एडेड द गेरॉड 4-gauge 2 वायरिंग फॉर द 2 एम्पलीफायर। वी हैव एडेड द गेरॉड फ्यूजेस एज वेल। अलोंग विद दैट, यू कैन सी द जैकेट्स हैज बीन टाइड अप टू ऑल द वायरिंग। ये हमारी पूरी वायरिंग जाएगी, तो इससे कोई वाटर डैमेज या प्रोटेक्शन करने की, पूरी प्रोटेक्टेड रहेगी बेसिकली। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी स्पिलेज, एनी कार्बन, एनीथिंग, because the wiring has been done very well. So you don't have to worry if you're coming to Audio Solutions and you are getting your wiring done. So lastly sir, jaate waqt 1500 kilometer aapki overall journey rahegi. Kya ek to mere pehle subscriber batayenge kitna kharcha ho gaya aaj? Approximate agar sara saman mila ke jaye to 3 saal ki journey ke jo saman mila ke aaye aur aaj approximate 1 lakh to ho hi gaya hoga. 1 lakh ke under humne sara kuch kar diya, jahan humne front high end components, piche Steglio, ek JL ka high end amp, ek Servin Vega ka mono, JL ka woofer, Morel ka high low converter, damping, sara humne under 1 lakh budget mein khatam kar diya. Matlab premium se saman tha 1 lakh ke budget mein humne khatam kar diya. क्या जाते वक्त ये तो नहीं सोचते जाएंगे कहाँ फंस गए, 1 लाख रुपए बर्बाद हो गया, कि इतना सामान भी लगा लिया, पैसे भी लगा लिया, और या लास्ट में ये रिजल्ट मिला कि सब बर्बाद हो गया, ऐसा तो नहीं फील हो रहा? नहीं सर बिल्कुल, मैं तो उल्टा ये करूँगा और जितनी भी कार्स लूंगा
उसमें हमेशा सोहिल सर से ही ऑडियो सेटअप कराऊंगा सर। डन। और आप भी? बिल्कुल सर। पक्का अगली गाड़ी मेरे पास ही आ रही है कहीं और जाएगी? नहीं आपके पास ही है। आपकी गाड़ी सर? बिल्कुल सर बिल्कुल। 100% सर। चलिए अब चलते हैं फाइनल आउटपुट की तरफ, कैसा इसका NCS का रिजल्ट है, एंड देन वील वाइंड दिस वीडियो। सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी। साइनिंग ऑफ। बाय। रिस्पॉन्स ऑफ अजूम लाइट्स, ये आप देख सकते हैं दो लाइट्स लगी हैं इसमें। सो आप देख सकते हैं इसमें अजूम लाइट्स लगी हैं, एंड एक्सयूवी में ये कैसा रिस्पॉन्स है, अंडरस्टैंड हाईवे पे कैसा ही होगा। सो इट्स अ वेरी, द रिजल्ट्स आर वेरी गुड, फिनोमिनल। अभी तक मैं कोई लाइट इसलिए नहीं प्रमोट करता था, आई वॉज स्केयर्ड कि कोई हाईवे पे जाए उनको उतना विजन ना दिखे तो दे विल गोइंग टू कर्स मी, दे विल गोइंग टू अब्यूज मी कि क्या लाइटें दी हैं। बट नाउ वंस वी हैव अजूम इन आर इन्वेंट्री, वंस वी गिविंग स्टार्ट गिविंग अ लाइटिंग सोल्यूशन, सो दिस इज द ऑप्शन वी कैन गो फॉर।